हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, अगर आप झारखंड के निवासी हैं और यहाँ का दोस्तों आपने राशन कार्ड बनवाया और अपने राशन कार्ड में फैमिली मेंबर होते हैं उनके सदस्यों के सामने आप मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं खुद से ही, तो आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। खुद से ही अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से ही अपने फैमिली मेंबर के सामने दोस्तों आप मोबाइल नंबर को किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे, लिंक करेंगे, आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है, अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको रेड कलर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दे और बेल घंटे भी प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है jsfsjharkhand.gov.in। देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नजर आता होगा jsfs, इतना ही टाइप करेंगे आ जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद तो यहाँ पे पहला ही वेबसाइट आ गया जहाँ से आप राशन कार्ड में किसी प्रकार से कोरेक्शन कर सकते हैं, राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इसी को आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक नया पेज यहाँ पे आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको अनुरोध, यहाँ पे जो भी आप अनुरोध करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते काफी ऑप्शन है, यहाँ पे नया राशन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर पहले से रजिस्टर किए हैं अप्लाई किए तो स्टेटस वगैरह भी यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मोबाइल नंबर एड करना है, इसके लिए मैं आपको बताने वाला प्रोसेस। इसके लिए दोस्तों आपको नजर आता होगा तीसरा ऑप्शन में आपको नजर आता होगा कार्ड होल्डर लॉगिन, ठीक है। देख सकते हैं आपके पास रेड कलर में नजर आता होगा, इसी के ऊपर आपको लॉगिन करना होगा ताकि आप अपना राशन कार्ड में लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ कार्ड होल्डर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अपने राशन कार्ड में लॉगिन होना होगा, इसके लिए यहाँ पे कुछ आपको डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आप अपना राशन कार्ड नंबर टाइप करना होगा, ठीक है। राशन कार्ड नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे कार्ड टाइप आपको टाइप करना है, आपका जिस भी टाइप में आपको कार्ड होगा, तो जो भी आपका कार्ड होगा यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन कार्ड है तो ग्रीन कार्ड में जाइएगा, पीएच है, AAY है तो जो भी व्हाइट कार्ड होगा इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आपको समझना है, पासवर्ड में क्या देना है वो देख सकते हैं। लास्ट 8 डिजिट ऑफ आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, मतलब जो आपका राशन कार्ड है उस राशन कार्ड में जिस भी महिला को आपने हेड बनाया है उसका जो लास्ट का 8 डिजिट आपको यहाँ पे टाइप करना, ठीक है, आधार नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना आधार कार्ड का जो नंबर होगा लास्ट 8 डिजिट आप टाइप कीजिएगा जो आपका हेड ऑफ फैमिली है, ठीक है, महिला में। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको कैप्चा जो आपको स्क्रीन पर नजर आए वो कैप्चा यहाँ फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ ना आए तो यहाँ से आप एक बार रिसेट भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना पूरा डिटेल फिल करता हूँ। डिटेल फिल करने के बाद ही दोस्तों मैं लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आता है मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर दिया, और जब अपना राशन कार्ड नंबर सही टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में सही का निशान आ जाएगा। उसके बाद आपको कार्ड टाइप में आ जाना है, कार्ड टाइप आपको फिल कर देना जो भी आपका कार्ड टाइप होगा। मेरा पीएच में मैंने पीएच यहाँ पे टाइप कर दिया, देख सकते हैं पीएच आपको नजर आता होगा। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको टाइप करना है, हेड ऑफ फैमिली का लास्ट 8 डिजिट आधार नंबर जो होगा वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कैप्चा आपको सही सही फिल करना है, कैप्चा ना समझ आए इसे रिसेट भी कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया पेज यहाँ पे आ जाएगा। नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स हो जाता है, आपका राशन कार्ड का पूरा डिटेल ही हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा राशन कार्ड नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, यहाँ पे फादर, हस्बैंड वगैरह जो भी नाम है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे नजर आ जाता है। और भी नीचे आप कीजिएगा तो नीचे भी और पूरा लिस्ट ऑफ फैमिली नजर आ जाएगा, कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 9 मेंबर जुड़े हुए हैं, तो 9 मेंबर्स का यहाँ पे पूरा नाम आ रहा है। यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर किस में लिंक है, सिर्फ पहला में ही जो हमारा हेड ऑफ फैमिली उसी में लिंक है, सभी में NA नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपके पास आ रहा है तो आप खुद से मैनुअली तरीके से किस प्रकार से मोबाइल नंबर एड करेंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नया मोबाइल नंबर ऐड करना है फैमिली मेंबर के सामने। इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं आपको नजर आता होगा तीसरा नंबर में मोबाइल नंबर में सुधार या तो परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है, इसीलिए आपको इसी पर इसी ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ही आपको कार्ड डिटेल यहाँ पे शो हो जाता है, देख सकते हैं कार्ड डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, आपका विलेज वगैरह, हेड ऑफ फैमिली कौन है, वो डीलर कौन है, वो यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है। नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं परिवर्तन के किसी एक सदस्य को चुने और आधार संख्या डालें, ठीक है। आपको यहाँ पे डिटेल बता दिया जा रहा है क्या क्या आपको करना है। तो जिस भी सदस्य में आपको मोबाइल नंबर एड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आता होगा सिलेक्ट फैमिली मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेंबर
आपको सेलेक्ट मेंबर पर आकर के आपको कोई भी फैमिली मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक मेंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे एक मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद उस मेंबर का आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना होगा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इधर आपको लास्ट 2 डिजिट आधार नंबर इधर शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर से आपको यहाँ पे आधार नंबर पूरा फिल करना होगा ताकि ये वेरीफाई कर सके। देख सकते यहाँ पर दोस्तों उसी का आपको आधार नंबर डालना होगा जो आपने नेम सेलेक्ट किया है, इसी में आपको मोबाइल नंबर एड होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर टाइप करता हूँ, उसके वेरीफाई पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे इनका आधार कार्ड नंबर जो यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, देख सकते हैं। लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 डिजिट यहाँ पे आपको मैच करता होगा, यही देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट ऑफ UID में यहाँ भी आपको लास्ट 2 डिजिट आपको शो हो जाएगा। सेम आधार कार्ड यहाँ पे आपको मैं टाइप कर दिया हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सही का निशान भी आ गया। अगर आप सही सही फिल करेंगे तो यहाँ पे सही का निशान आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। उसके बाद इसमें वेरीफाई नजर आता है, वेरीफाई आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं एक नया ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एड करने का ऑप्शन यहाँ पे चालू हो गया, ओपन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस में आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट मेंबर पर आना है और आपको मेंबर उसी को सेलेक्ट करना है जो आपने ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सेम मेंबर को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर जो ऐड करना चाहता है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे ऐड करना होगा, लिखना होगा। उसके बाद एक बार आपको गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है मोबाइल चेंज करने का, तो मैं आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबसे पहले आपको भरने बता देता हूँ, उसे डाउनलोड करने का लास्ट में आपको बता दे दूंगा। तो चलिए मैं आपको इस फॉर्म को किस प्रकार से भरेंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म और कहाँ से मिलेगा मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूँ किस प्रकार से डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए मैं डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। इसके लिए देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन कर लिया हूँ। इसी फॉर्म को आपको भरना होगा। देख सकते हैं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंशदान हेतु सौ घोषणा पत्र, ठीक है। इसी फॉर्म का आपको डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ता है। मोबाइल नंबर चेंज करना या तो मोबाइल नंबर एड करने का, दोनों का फॉर्म एक ही है, ठीक है। डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। यहाँ पर दोस्तों भरने का तरीका आप सबसे पहले समझिए, मैं कार्ड धारक का नाम, तो यहाँ पर आपको हेड ऑफ फैमिली में लिखना है, जो महिला है जो आपके राशन कार्ड में हेड है उनका नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड संख्या आपको टाइप करना है। राशन कार्ड संख्या टाइप करने के बाद यहाँ पे आके सदस्य का, जिस भी सदस्य का नाम में आप मोबाइल नंबर एड करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। मोबाइल नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे टाइप कर देना है, बदलना या सुधार करना है या तो फिर एड करने में यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों फॉर्म एक ही है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे स्थान आपको टाइप कर देना, जिस स्थान से आप कर रहे हैं, आप जिस स्थान से हैं वो, और जिस डेट को आप कर रहे हैं वो यहाँ पे। उसके बाद अपना हस्ताक्षर लिख देना, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कीजिए और यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक है। अपना नाम लिखना है, जिसका नाम में मोबाइल नंबर एड कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं उसका नाम लिखना, ठीक है। फॉर्म किसका डाउनलोड करेंगे वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा। चलिए इतना कर लेने के बाद आपको इसे स्कैन कर लेना है। इसका जो KB का साइज होगा 200 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। भरने के बाद आपको इसको स्कैन करके 200 KB के अंदर रखना है, ठीक है, तभी वहाँ पे लेगा। चलिए अब आपको फॉर्म पे ले जाता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले मेंबर सेलेक्ट करता हूँ। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जो भी मोबाइल नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद OTP पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों गेट OTP पर आप क्लिक करेंगे आपके फोन नंबर पे एक सक्सेसफुल OTP पहुंच गया है, तो मेरे पास आ चुका है। दोस्तों मैं OTP फिल करता हूँ। OTP फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइल चूज करना होगा, जो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे आपने स्कैन करके रखा है। चलिए मैं फाइल चुन क्लिक करता हूँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना फाइल चुन लेता हूँ जो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है दोस्तों। तो चलिए फाइल चुनने के बाद यहाँ पे ओपन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैं अपना डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे चुन लिया। उसके बाद दोस्तों आपके नजर आता होगा सेंड रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में आपको नजर आता होगा द रिक्वेस्ट टू चेंज मोबाइल नंबर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। देख सकते हैं सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपके पास एक नंबर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे जारी हो चुका है दोस्तों। इस नंबर को आपको सेव करके रखना है ताकि आप नेक्स्ट टाइम स्टेटस चेक कर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नंबर, इसे नोट करके रख लेना है या तो फिर इसे डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इसे प्रिंट करना चाहते हो। प्रिंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इजी वे में इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसे प्रिंट करने के बाद दोस्तों या तो सेव करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ स्टेटस किस प्रकार से आप चेक करेंगे। साथ साथ दोस्तों ये भी आपको बताने वाला हूँ कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म को कहाँ से डाउनलोड करते हैं, किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस एक्नॉलेजमेंट नंबर जो आपके पास नजर आ रहा है उसे आपको नोट कर लेना है या तो आपको सेव कर लेना है, ठीक है, या तो इसे प्रिंट करके आप रख लेना है। अब इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप चेक कर पाएंगे अपना स्टेटस। चलिए दोस्तों आप
मैं आपको स्टेटस चेक करने के लिए बता देता हूँ। इसके लिए आपको एक नया पेज लेना होगा। नया पेज लेने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है JFSS, ठीक है, जो आपने पहले में आपको बताया था, जो आपको टाइप करना था सेम आपको टाइप करिए और इंटर कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं शुरुआती दोस्त आपको बता देता हूँ, जब भी आप चेक करना चाहेंगे तो आप यहीं से जा सकते हैं। आपको पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आता हो सबसे लास्ट ऑप्शन आपको नजर आता होगा चेक अप्लीकेंट स्टेटस, ठीक है, देख सकते हैं आपके पास यहाँ नजर आ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों एक नया पेज आ जाता है। नया पेज आ जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करना होता है। डिटेल क्या फिल करना है मैं आपको बारीकी से समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप राशन कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर है, दोनों में दोस्तों एक आपको फिल करना है, देख सकते हैं यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो आप राशन कार्ड नंबर फिल कीजिए या तो फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको फिल करना, जो आपको वहाँ पे प्रिंट करवाया था, डाउनलोड करके सेव करवाया था, स्क्रीनशॉट लिवाया था, उसी एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था वो यहाँ पे फिल करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करता हूँ, उसके बाद सर्च पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर में यहाँ पे टाइप कर दूँ, उसको कैप्चा जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है फिल करने बाद यहाँ पे आपको सर्च नजर आता होगा, सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल फेस होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको नीचे को स्क्रॉल करना है। नीचे को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपका राशन कार्ड नंबर यहाँ पे आपको नजर आता होगा, देख सकते हैं राशन कार्ड नंबर, उसके बाद यहाँ पे मेंबर नेम आपके पास हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह विलेज वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे आपको नजर आता होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टेटस चेक करना है, इसके लास्ट में आ जाइए, लास्ट में आपको स्टेटस नजर आता होगा पेंडिंग एट BSO, ठीक है, देख सकते हैं अभी तक ये डॉक्यूमेंट जो है पहुंचा हुआ है BSO तक। BSO के बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने चेंज किया था या एड किया था वो 100% आपका सुधर जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस देखो आपको किसी भी मेंबर में मोबाइल नंबर को एड कर सकते हैं। अब रहा सवाल दोस्तों आप डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इसका दोस्तों डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर दोस्तों वहां नहीं जाना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन से नहीं डाउनलोड करना चाहते, यहीं पर देख सकते हैं आपको नजर आता होगा एक सेक्शन आपके पास बना हुआ है डाउनलोड का, ठीक है, तो आपको डाउनलोड वाला सेक्शन में चले आना है, ठीक है। डाउनलोड वाला सेक्शन आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए दोस्तों आप भी जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं सभी यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म नजर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म को नेम चेंज, नाम चेंज करने के लिए है, जेंडर चेंज करने के लिए, मोबाइल चेंज करने के लिए, मोबाइल नंबर एड करने, दोनों एक ही प्रोसेस होता है, रिलेशन चेंज करने के लिए, डीलर चेंज करने के लिए, सबको यहाँ पे दिया हुआ जो भी फॉर्म आपको डाउनलोड करना है सिंपल से आपको उस फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक सबसे पहले लोडिंग होगा, प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू हो जाने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे भरने का तरीका मैंने आपको समझा दिया और कितना KB में आपको रखना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस प्रकार से आप किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर को एड करेंगे और डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, डिक्लेरेशन फॉर्म का साइज कितना रखना है, किस प्रकार से भरना है वो भी बता दिया और स्टेटस किस प्रकार से चेक करेंगे वो भी बता दिया, ठीक है। आशा कर दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताने का कोशिश किया हूँ, वीडियो आपको समझ आया, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हाँ दोस्तों आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाएं, वहाँ भी मैं इसी प्रकार का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ और वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी परेशानी होगा आप हमें वीडियो के कमेंट में बताएं, फेसबुक पेज पर जाकर भी बता सकते हैं।